हाँ जी बाबा, जैसे मुरली में कहा था, बेसिक में वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्टी के नाम पर रजिस्ट्रेशन हुआ था। वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्टी के नाम पर रजिस्ट्रेशन हुआ था पहले, ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ने के 2 दिन पहले पता चला। क्या वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्टी के नाम पर रजिस्ट्रेशन हुआ, वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट बन गया? हाँ। तो वैसा यहाँ भी हुआ था, ऐसा एक मुरली पॉइंट आया था, तो वो कैसे है? एडवांस में भी हुआ था। नेपाल किसे कहा जाता है? है नेपाल माने नई दुनिया की पालना करने वाले। और नेपाल वालों ने, नेपाल सरकार से रजिस्ट्रेशन करा लिया इस ईश्वरीय ज्ञान का, हर नाम रख दिया आध्यात्मिक ईश्वरीय सेवा केंद्र। बाबा से पूछा गया तो बाबा ने मना कर दिया था, फिर भी उन्होंने करा लिया। रजिस्ट्रेशन कराने वाला जो मुखिया था वो फिर बाद में शादी करके बैठ गया। कुमार होते हैं तीखी सर्विस करते हैं, लेकिन सर्विस के बाद फिर अवज्ञा होने से डिससर्विस भी हो जाती है, तो हो गया ना। अभी वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दिया गया, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो हिम्मत हार गए, हार्ट फेल हो गया। है ये बाबा हार्ट फेल होने वाला है क्या? राजयोग सीखने वाले जो योगी होते हैं उनका राजयोग सीखने से हार्ट मजबूत होता है कि कमजोर होता है? हैं, मजबूत होता है। तो जिसका हार्ट मजबूत होगा वो हिम्मत हारेगा नहीं हारेगा? अरे ये तो युद्ध है माया से, मायावी रूप धारण करके कोई भी आते हैं। उल्टे पलटे श्रीमत के बरखिलाफ काम कर लेते हैं, बहुतों को अपना सहयोगी बना लेते हैं। जैसे उस समय ऐसे थोड़े ही कि रमेश भाई ने अकेले करा लिया। वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट है का रजिस्ट्रेशन, कुमार का दादी भी उसमें शामिल थी। उस ग्रुप की कई एक दादियां शामिल हो गई और बाबा को नहीं बताया किसी ने। हाँ, प्रगति दोनों हाथों में झाड़ू लेकर खड़ा है, ऐसा प्रकृति दोनों हाथों में झाड़ू लेकर खड़ी है। दोनों हाथ कौन कौन से है? राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। दोनों झाड़ू लगाने वाले हाथ हैं। अभी भक्ति मार्ग आगे जा रहा है, ज्ञान मार्ग आगे जा रहा है? तीखा कौन है? हैं? ज्ञान मार्ग वाले तीखे हैं? ज्ञान मार्ग वाले तीखे जा रहे हैं कि भक्ति मार्ग वाले तीखे जा रहे हैं? हैं? भक्ति मार्ग वाले तीखे जा रहे हैं।
तो भक्ति मार्ग की जो गवर्नमेंट है उसमें झाड़ू पार्टी का कौन निकला है? उसने झाड़ू लगाना शुरू किया और इसे इशारा मिल गया कि ज्ञान मार्ग में भी ऐसे ही होना है। और किसी ने पूछा है कि पीयू की वाणी को तांडव दास कहेंगे शंकर का? पीयू की वाणी को शंकर का तांडव नृत्य कहेंगे क्या? शिव की वाणी को तांडव नृत्य कहेंगे हैं? पीयू की वाणी को तांडव नृत्य कहेंगे। जो नृत्य होता है वो तो ज्ञान डांस है, और जो ज्ञान डांस है वो ज्ञान की अग्नि भी तो कही जाती है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं भस्मसात कुरते तथा, जब ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती है तो सब कुछ क्या कर देती है? भस्म कर देती है। इस ज्ञान का नाम ही क्या है? इस ज्ञान का कोई नाम है? ज्ञान यज्ञ का है रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो रुद्र का मतलब ही है रौद्र रूप धारण कर लेने वाला। कितने साल हो गए ज्ञान सुनते सुनते? 77-78 साल होने जा रहे हैं। बच्चों में परिवर्तन आ रहा है नहीं आ रहा है? तो आखिर बच्चे अति कर रहे हैं श्रीमत की बरखिलाफी की, तो अति का अंत होगा या नहीं होगा? है, होगा। आदि में भी ऐसे हुआ था, अंत में भी होगा। वो नंगा डांस कहा जाता है कि कपड़ों का तामझाम पहन करके डांस है नंगा नाच है। उनको कोई कपड़ा नहीं दिखाया जाता, वस्त्र नहीं दिखाते हैं। सच्चाई है या उस डांस में झूठापन भरा हुआ है? सच्चाई है। उसकी यादगार कोणार्क के मंदिर में, जगन्नाथ के मंदिर में, देवताओं में दिखाई गई है, नंगे चित्र दिखाए गए हैं। ऐसे तो गवर्नमेंट असली चित्रों को छपाने वालों के ऊपर केस कर देती है, जेल में डाल देती है। वो ढेर के ढेर चित्र वहां बने पड़े हैं, उनको क्यों नहीं निकाल पाता कोई? है, क्योंकि उसमें सच्चाई है। जो सच्चा होता है वो सर के ऊपर चढ़ के बोलता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। आग लगती है तो लगने दो, दुनिया भस्म होती है तो होने दो। शिव बाबा के लिए तो गायन है क्या, दह कुटिया में आग बाबा चंपत में। यज्ञ के आदि में भी क्या हुआ है? ऐसा डांस किया कि यज्ञ के आदि वाला संगठन जो ओम मंडली थी वो नेस्त नाबूद हो गई या चलती रही?
है? ओम मंडली नाम निशान खत्म हो गया कि रह गया? है? रह गया है? अगर रह गया होता तो दूसरा नाम रखने की क्या दरकार? वो आदि वाला संगठन ही खलास हो गया। और महाभारत में, महाभारत युद्ध, पूरा महाभारत युद्ध देखते रहने वाला एक बर्बरिक का पात्र, वो हम सब पूरा महाभारत देखते रहते हैं। हाँ। वो बर्बरिक। हाँ। वो इधर कौन सा पात्र है? पूरा युद्ध देखते रहते हैं। वो एक ही है कि दो चार हैं? बर्बरी एक या बर्बरी दो चार है? बर्बर माने क्या? बर्बर माने भयंकर, सर्वदर्शी या एकदर्शी? सारे महाभारत का युद्ध देखा या कहीं देखा कहीं नहीं देखा? सारा ही देखा। बहुत ही भयंकर था। भयंकर होने पर भी खासियत क्या थी उसमें? खासियत ये थी कि जो कमज़ोर होते हैं उनकी, उनको सहयोग देता है कि पावरफुल को सहयोग देता है? किसका सहयोग ही बनता है? है? दो सेनाएं लड़ती, अगर दो सेनाएं लड़ती हैं तो एक को ही सहयोग देता रहेगा या एक अगर जीतने लगे तो दूसरी सेना में जा मिलेगा? क्या थी खासियत उसकी? है? ये खासियत थी कमजोर को सहयोग देने वाला, पावरफुल को तो सब सहयोग दे लेते हैं। और देवान का नाम निशान नहीं रहा, खुद भगवान उसके देवान को खत्म कर देता है। उसको देह रह गई कि खत्म हो गई? है? रह गई? नहीं रह गई। क्या रह गया? है? मुंडी रह गई। मुंडी में ही आत्मा होती है, वो आत्मिक शक्ति से सारा देखता रहा। और अर्जुन को किरीड़ी क्यों कहते हैं? है? किरीड़ी कहते हैं ना अर्जुन को, अर्जुन को। हाँ। किरीड़ी ऐसे कहते हैं ना, किरीड़ी 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 फाल्गुना। अर्जुन को क्या करते कहते हैं? कहते हैं अर्जुन को क्या कहते हैं? किरीड़ी ऐसे कहते हैं, किरीड़ी फाल्गुना। किरीड़ी और खोल के बताओ क्या एलईडी, एलईडी क्या बात है? है? अर्जुन अर्जुन का एक नाम है। क्या नाम है? चिलीडी। किरीटी की रीटी, किरीट माने ताज, किरीटी माने ताज धारण करने वाला। कौन सा ताज है अर्जुन के पास? है कौन सा ताज है? बाबा कहते तुम बच्चे डबल ताजधारी हो, तो किरीटी हुए ना।
अर्जुन जो पहले नंबर का पुरुषार्थी है वो भी डबल ताजधारी किरीटी है या नहीं है? है ना, पवित्रता का ताज भी धारण करने वाला और यज्ञ सेवा की जिम्मेवारी का ताज भी धारण करने वाला। तो किरीटी गलत कर दिया क्या? सही है ना। हाँ ईद का त्यौहार, ईद का त्यौहार मुसलमान मनाते हैं ना, वो क्यों मनाते हैं? ईद का त्यौहार मुसलमान लोग बनाते हैं, मनाते हैं ईद बकरीद। अब बकरीद का तो अर्थ समझ ही गए, बकरी क्या करती है? है मैं करती है। और मुसलमान वो मैं करने वाली बकरी को क्या कर देते हैं? काट देते हैं। उससे भी ऊंचा त्योहार कौन सा है? हैं, पहले बकरीद मनाते हैं कि पहले ईद मनाते हैं? अरे कोई मुसलमान यहाँ बैठा होगा तो जानता होगा, हैं? बताओ भाई, हैं? यहाँ तो मुसलमान और क्रिश्चियंस ज़्यादा है ना, हिंदू की संख्या तो कम है। तो बताओ, पहले बकरीद मनाई जाती है कि पहले ईद मनाई जाती है? बताते नहीं है, हैं? अरे हैं, पहले ईद मनाई जाती है, ईद हैं? ऐसे क्यों, ऐसे क्यों? जब ईद का त्योहार होता है तो चंद्रमा की स्थिति क्या होती है? अरे भूल गए, किसी को नहीं मालूम है? हाँ, छोटी सी लकीर रह जाती है, द्योज का चंद्रमा, दूज का चांद, क्या क्या रह जाता है? दूज का चांद। अच्छा, हिंदुओं में कौन सा देवता है जिसके मस्तक पर दूज का चांद दिखाया जाता है? शंकर। और शंकर का पार्ट कब से शुरू होता है? है 76 से। तो 76 से जब से शंकर का पार्ट शुरू होता है तो पार्ट शुरू होने के साथ ही साथ ब्रह्मा कुमारियाँ कहो और ब्रह्मा कुमारियों के प्रचार के कारण दुनिया वालों के अंदर कहो, एडवांस पार्टी वालों में भी जिनकी समझ में पूरी बात नहीं आती है उनके अंदर कहो, क्या बवंडर उठ खड़ा होता है। वो दिमाग में एक बवंडर उठ खड़ा होता है। तो जिनके अंदर बवंडर खड़ा होता है वो बहुत विरोध करते हैं। अरे शंकर के पार्ट में ऐसी कोई शिफ्ट है जो कहते हैं कि ज्ञान तो बहुत अच्छा है लेकिन विरोध फिर बहुत करते हैं? तो ऐसी क्या बात है जिसके लिए विरोध करते हैं, है? और सबसे ज्यादा विरोध कौन करते हैं? अरे दुनिया वाले करते हैं कि एडवांस वाले करते हैं कि बेसिक वाले करते हैं? कौन करते हैं? हैं, बेसिक वाले। और बेसिक वाले में जो विरोध करने वाले हैं वो ज्यादातर कौन से धर्म के हैं? हैं, इस्लाम धर्म के, माने मुसलमान धर्म के। वो क्यों विरोध करते हैं? क्योंकि उनकी बुद्धि में बैठ जाता है कि जिस चीज़ को हम समझते हैं कि ब्रह्मा बाबा को ही, और ब्रह्मा बाबा तो पवित्र रहते थे, ब्रह्मा बाबा पवित्र रहते थे,
वो तो सिर्फ गोद में लेते थे। ये चीज भी देनी पड़ेगी। तो उसी समय से ईद का त्योहार शुरू हो गया। उसकी यादगार है ईद। वो लड़ाई अभी भी चल रही है, अभी भी माया विरोध कर रही है कि नहीं कर रही है? हैं? हाँ, माया बकरी जो है वो अभी अभी पावर में है, वो पावर भी खत्म हो जाएगी, बकरी भी काट दी जाएगी, फिर सबकी समझ में आ जाएगा। क्या क्या समझ में आ जाएगा? कि अनेकों के संग के रंग से गिरे हैं और एक के संग के रंग से सारी सृष्टि उठेगी। क्या मूत पलीती कपड़ धोती? कलयुग में आके जो शरीर रूपी वस्त्र हैं वो कैसे बन गए? हैं? मूत पलीती बन गए। शिव बाबा बहुत बड़ा धोबी आता है, वो जो धोबी होते हैं ना, आजकल तो साबुन से कपड़े धोने लगे हैं। पहले जो धोबी लोग होते थे वो कपड़ों को खेत की मिट्टी लाते थे इकट्ठी करके, उस मिट्टी में सारे कपड़े इकट्ठे करके सौंद करते थे, सारे कपड़ों को और ही ज्यादा गंदा कर देते थे। ज्यादा पुराने समय की बात नहीं है, अभी से ज्यादा से ज्यादा 60-70 साल पहले की बात है। गांव-गांव में धोबी होते थे, और गांव में जो खेत होता था जिसमें कुछ पैदा नहीं होता था, सफ़ेद मिट्टी हो जाती थी, वो मिट्टी इकट्ठा जिसमें वो ये क्या कहते हैं उसको, नहीं नहीं हाँ हाँ नमक का एक क्या होता है, सोडा सोडा, हाँ वो सोडे वाली मिट्टी इकट्ठी करके लाते थे और उसमें सारे कपड़ों को अच्छी तरह से सत्यानाश कर देते थे देखने में। बाद में फिर ले जा करके उनको धोबी घाट पर धोते थे। बाबा कहते ये धोबी घाट यज्ञ के आदि से ही चला चला आया। लेकिन सफलता हुई आदि में, हैं? सफलता हुई? क्यों नहीं हुई? कारण क्या? कुछ कारण होगा कि वैसे ही? अरे अगर सफलता नहीं हुई तो उसका कोई कारण रहा होगा या नहीं रहा होगा? हैं? ज्ञान नहीं। किस बात का ज्ञान नहीं था? हाँ, असली पवित्रता क्या है? वो ब्रह्मा कुमारी जैसे सन्यासियों को पता ही नहीं है कि 100% पवित्रता क्या चीज है। और वो पवित्रता शिव बाबा के मंदिर में शिवलिंग की क्यों पूजा होती है? वो क्या ऐसा काम करता है पवित्र जो उसकी पूजा होती है? ये रहस्य उन सन्यासियों की बुद्धि में नहीं बैठता, भले पूजा करते हैं शिवलिंग की, ये रहस्य जिनकी बुद्धि में क्लियर होता है वो समझ जाते हैं, और वो बहुत थोड़े निकलते हैं। और बाबा 786 का भी क्या मतलब, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 786 मुसलमानों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या 786? 6 7 8
ये तीन अंक बहुत मुख्य माने जाते हैं। पहले तो 6 नंबर को ही उठा लो, मुसलमानों का एकदम मूल मुखिया कौन है? जहां से मुसलमान धर्म की विचार का बीज आरोपण होता है, वो मुखिया का नाम क्या है? है क्या? धीरे धीरे करके ना बताओ, सो धमाके से बताओ। है इब्राहिम। इब्राहिम ऊपर से जो आता है वो भी विचारी तमोप्रधान होता है, हैं? जिसमें प्रवेश करता है वो होता है, जो प्रवेश करता है जिसमें, वो तो आधार मूर्त हुआ। उस आधार का भी जन्म होता है किसी से, कौन? बीज। उसको भी जन्म देने वाला बाप, वो बाप आधार मूर्त से डरता है, चाहे बुद्ध हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कोई भी हो। आधार मूर्तों को जन्म देने वाले जो बाप हैं वो निर्भीक रहे हैं तो ज्यादा पावरफुल हुए या कम पावरफुल हुए? ज्यादा पावरफुल थे। तो बीज है, और उस बीज का भी कोई बाबा होगा कि नहीं है? हाँ, तो जो बीज है इस्लाम धर्म का, वो कौन है? साकार बीज। इब्राहिम तो ऊपर से आता है निराकार, है? प्रदीप, रवीश। हाँ, एडवांस के आदि में चार आत्माएं निकली जिन्होंने एडवांस ज्ञान को अच्छी तरह से पकड़ा। अच्छी तरह से तो नहीं कहेंगे, नंबरवारी कहेंगे। उन चार आत्माओं को भक्ति मार्ग में शास्त्रों में बताया गया, ब्रह्मा के पहले पहले चार पुत्र, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। चार धर्म के चार बीज, उनमें जो इस्लाम धर्म का बीज है वहां से शुरुआत होती है। वो बीज भक्ति मार्ग में उसको कितने मुख दिखाए जाते हैं? 6 मुख दिखाते हैं। 6 कृतिकाओं ने उसकी पालना की थी, उसको पालने वाली 6 माताएं हुई कार्तिकेय को। सुब्रण्यम, सुब्रह्मण्यम स्वामी। तो 6 अंक हुआ। और नारायण कितने हैं? हैं 8 नारायण हैं। 8 नारायणों में से पहला नारायण तो देवी देवता सनातन धर्म का है, बाकी कितने बचे? 7 नारायणों में से वो मुख्य कौन है जो इस्लाम धर्म का नारायण बनता है, आधार मूर्त बनता है? हैं? दूसरे नंबर का। अगर नीचे से गिने तो 7वें नंबर का, तो 7 भी आ गए। और उसको जन्म देने वाला
जन्म देने वाला भगवान है या कोई मानवीय देवता है? है कौन है? इस्लाम धर्म का जो नारायण है उसको जन्म देता है कोई कि नहीं? कौन जन्म देता है? हैं? अरे फर्स्ट नारायण ही तो सेकंड नारायण को जन्म देता है। फर्स्ट नारायण का टाइटल ही तो अपने बच्चे के लिए जाता है, तो वो भी मान्य है। तो 8 नंबर भी मान्य है, 7 नंबर भी मान्य है और 6 नंबर भी मान्य। ठीक तो है। और हैं है? सारे मिला के 21 जन्म हो गए ना। और जो जिस नंबर के नारायण बनेंगे वो उस नंबर के राम सीता भी बनेंगे। और एक भाई का प्रश्न है, केरला में माता और कन्याओं को मेंसेस के समय मंदिर में प्रवेश, केरला में माताओं कन्याओं में मेंसेस के समय मंदिर में प्रवेश, मंदिर में प्रवेश निषेध है। कन्याओं माताओं का, माताओं का कन्याएं कर सकती हैं दोनों का प्रवेश वर्जित है, प्रवेश निषेध है, निषेध है मंदिर में। पूरे केरला में जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों में कन्याओं माताओं का प्रवेश वर्जित है। पूरा मारियों क्या? पूरी नारियों को मेंसेस होते हैं या पीरियड्स होते हैं? हाँ, पीरियड्स वाली को, जो जो ठीक होती हैं, बीमार नहीं होती हैं, उनको तो प्रवेश करने दिया जाता है। इसका अरे कहीं ऐसे तो नहीं है कि इसलिए केरला से कन्या माताएं सरेंडर नहीं हो रही है? इसलिए सोच समझ के जवाब देना पड़ेगा। हम तो चाहते हैं केरला से भी टीचर्स निकलें। कोई जरूरी थोड़ी है हर प्रश्न का जवाब तुरंत दिया जाए। हाँ हम अपने पार्ट को जो पास्ट में पार्ट चल बच चुका है, जो पास्ट में हम पार्ट बजाए चुके हैं, उस पार्ट को हम चेंज कर सकते हैं। पास्ट को नहीं माना? तो फिर क्या फायदा? माना पास्ट में जो भी पार्ट हम बजाए चुके हैं उसको चेंज नहीं किया जा सकता। भविष्य में जो भी हमें पार्ट बजाना है, हमें लगता है कि ऐसा होगा, खराब होने वाला है, लेकिन अपने अच्छे संकल्पों से हम उस पार्ट को चेंज कर सकते हैं। और बाबा, वंदे मातरम ईश्वरी विश्वविद्यालय के दृष्टि में क्या है? अरे ईश्वरी विश्वविद्यालय में तो ईश्वर ही कहता है कि माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलेंगी। भाई लोगों ये तो नहीं कहा कि स्वर्ग का द्वार खोलेंगे।
आप अभी दृष्टि नहीं समझे, क्या दृष्टि है? अच्छी दृष्टि से देखा जाता है कन्याओं माताओं को या खराब दृष्टि से देखा जाता है? अच्छी दृष्टि से ही देखा जाता है। और बाबा तो कहते साहब की वानप्रस्थ अवस्था है, कन्याएं माताएं जब 60 साल से ऊपर की हो जाती हैं तो उनकी जो जो अवस्था अभी भाई ने पूछी, वो मेल से सोना बंद हो जाते हैं ना, क्या पवित्रता रह जाती है? नहीं रह जाती। तो जब पवित्र बनेंगे तो संकल्प भी क्या होंगे, कैसे चलेंगे, पवित्र चलेंगे या अपवित्र चलेंगे? हैं? अरे पवित्र संकल्प चलेंगे, पवित्र संकल्प चलेंगे तो मेल से सोना बंद हो जाएगा। और किसी ने पूछा है सिर्फ राधा के लिए मुरली कब चलेगी? ऐसा तो बाबा ने किसी मुरली में नहीं कहा कि मैं एक को पढ़ाने आता हूं। बाबा सभी को पढ़ाने आते हैं कि सिर्फ एक को पढ़ाने आते हैं? सभी को पढ़ाने आते हैं। फिर जैसा जिसका पात्र, किसी का बुद्ध रूपी घड़ा छोटा है, किसी का बुद्ध रूपी घड़ा बड़ा है, तो जिसका बुद्ध रूपी घड़ा बड़ा है उसमें ज्यादा जल समाया जाता है, जिसका छोटा है उसमें छोटा थोड़ा जल समाता है। बाकी बाबा तो सबको एक जैसा देता है। ढेर सारे घड़े रखे हुए हैं, कोई छोटा कोई बड़ा कोई मीडियम, पानी डालने वाला धड़ाधड़ पानी डाल रहा है, तो कोई कहे सारे घड़े एक जैसा पानी क्यों नहीं ले रहे, छोटा है ड्रामा प्लेन अनुसार तो कहां से लेगा पूरा। इसलिए बाबा एक के लिए मुरली नहीं चलाते हैं, नहीं तो पार्शलिटी हो जाए। बाबा तो सबको बराबर बराबर देते हैं। और किसी ने पूछा है कि जैसे वो कपल है ज्ञान में चलना चाहते हैं, अगर जो उनके परिवार वाले हैं उनके जोर डाल रहे हैं बच्चे के लिए, वो बच्चा नहीं चाहते मगर उसको गोद लेना चाहते हैं, वो सही होगा या क्या उनको करना चाहिए? अभी बंधन से निर्बंधन होने का टाइम है कि बंधन बांधने का टाइम है? अभी टाइम कौन सा चल रहा है? बंधन में रहना अच्छा, बंधन बांधना अच्छा या निर्बंधन होना अच्छा है? निर्बंधन होने का टाइम है। और ऐसे टाइम पर भी कोई बंधन बांधता रहे, बच्चे वैसे भी बिच्छू टिंडन पैदा हो रहे हैं सारे, आगे चल के वो हमारे मुंह में मुसीका लगाए दे तो क्या फायदा? और एक बात याद आ गई, चलो जवाब तो नहीं देंगे इशारा दे देते हैं। मुसलमानों में भी ऐसा नियम है कि मस्जिद में किसका जाना निषिद्ध है, है? हाँ, औरतों को आना जाना मना है। और केरला में भी कौन सी कौम ज्यादा रहती है, है? मुस्लिम और क्रिश्चियंस। और
किशन को छलिया क्यों कहते हैं? क्यों? सभी गोपियों के कपड़े चुराए लिए तो छरछिद्री नहीं है परशुराम का क्या? परशुराम शब्द का सही रूप है स्पर्श। कैसा राम? स्पर्श राम। उसके हथियार का नाम दे दिया है फरसा। फरसा का जो सही रूप है स्पर्श है, माने स्पर्श करने मात्र से ही जीत लेता है। तो वो परशुराम फेंकने से केरला बनाया, ऐसा बोलते। उसको कहते हैं केरला, ऐसा हुआ। उसको कहते हैं पार्श्वनाथ। क्या पार्श्व कहते हैं? बगल में बैठना। जो बगल में बैठेगा उसको स्पर्श तो हो ही जाएगा। तो स्पर्श करने मात्र से ही परिवर्तन कर देता है। किसको परिवर्तन किया? किसको मारा? कोई खास कौम है जिसको मारा? किसको मारा है? क्षत्रियों को मारा। क्षत्रिय सब राजाएं थे, होते थे, उनको राजा का ज्यादा नशा रहता था। उनको देह अहंकार को हरण कर दिया और एक और सवाल है। कहा है कि याद जो करते हैं, सभी सोचते हैं हमारी याद जो है सतो प्रदान है, मगर प्यार से याद करना और मोह से याद करना, इसमें क्या अंतर? मोह, मोह तो काम क्रोध लोह मोह अहंकार पांच विकारों में आता है। मोह माने लगाओ, लगाओ माने अटैचमेंट। अगर अटैचमेंट होना ही है तो भगवान में अटैचमेंट होना तो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि भगवान के अलावा और जितने भी हैं वो सब विकार बढ़ाने वाले हैं, और भगवान विकारों को समूल नष्ट करने वाला है। तो मोह से भगवान को याद करना तो अच्छी बात है। और शरीर थकता है, शरीर को थकान होती है। थकान तब होती है जब हम देहभान में रहते हैं। आत्माभिमान में रहें तो थकान शरीर को भी नहीं होगी, तो सोने की भी दरकार नहीं रही है। आत्मा तो सदैव जागती ज्योति है। नहीं, आत्मा पूरी नहीं सोती है। आत्मा पूरी नींद नहीं सोती है। ये तो मुसलमानों में क्रिश्चियंस में गायन है, मानते हैं, मान्यता है कि कब्र दाखिल हो गई, पूरी सो गई। वास्तव में आत्मा सदा अंधकार में नहीं होती है, कुछ न कुछ झुंझार होती है। और क्लास का टाइम सोया ना,
रात का टाइम हाँ वो दूसरा आत्मा प्रवेश करता है, वो अच्छा आत्मा है, सोते सोते प्रवेश कर जाती है क्लास में, क्लास टाइम पर जो सोते हैं और सोने वाले सोते हुए तो वो दूसरे आत्मा, दूसरे जो आत्मा है उसमें सोल आते हैं, सोती हुई आत्मा में, सोती हुई आत्मा में दूसरी सोल आती है, हैं? ऐसा तो नहीं सुना, जो सुसुप्त अवस्था में होता है उसमें सोल नहीं आ सकती, क्लास करते हैं उस समय नींद आती है, हाँ समय कोई आत्मा प्रवेश करती है, क्लास सुनते हैं इसे, अपनी आत्मा भी तामसी बनती है, विकर्म जास्ती हो जाते हैं, विकर्मों का बोझ जास्ती बढ़ जाता है तो नींद आती है बोझ के कारण, पाप कर्मों का बोझ ज्यादा होगा तो थकान हो जाएगी ना, तो नींद आ जाएगी, बहुतों को याद करते समय नींद आती है, बहुतों को ज्ञान की वाणी चल रही है, ज्ञान का क्लास होता है उस समय नींद आती है, कोई ऐसे होते हैं है कि उनको ज्ञान के समय नींद ही नहीं आती, याद के समय नींद ही नहीं आएगी, सुसुप्ति अवस्था में तो जैसे आत्मा की तीन अवस्थाएं हैं, आत्मा जब सृष्टि रूपी रंगमंच पर है तो जागृत है, इस रंगमंच को जब छोड़ती है तो परमधाम में है, परमधाम में भूत प्रेतों का असर होता है या इस दुनिया में भूत प्रेतों का असर होता है, कहाँ होता है, हैं? इस दुनिया में होते हैं भूत प्रेत, वो भी एक सुख की दुनिया है एक दुख की दुनिया है, सुख की दुनिया में भूत प्रेत होते ही नहीं, सुसुप्त अवस्था में रहते हैं, जो द्वापर कलयुगी दुख की दुनिया में भूत प्रेत अपना काम करते हैं वो जागते हैं, जागृत अवस्था में होते हैं, और गुलाब की कलियां वो फूल करें ना, तो ये कलियां कलियां मैंने छोटे बच्चे कम ज्ञान धारण किया है, योगी कंप्लीट योगी नहीं बने हैं, अभी पूरे खुले नहीं हैं, विकास नहीं हुआ है उनका, जितना उनको फलना फूलना चाहिए ज्ञान योग की शक्ति को, उतना ज्ञान योग की शक्ति फली फूली नहीं है, उनको कलियां कहेंगे, कहते ईश्वर का अंत पाया जा सकता है परंतु उनकी रचना का अंत पाना मुश्किल है, उनकी रचना है कौन ये जान लेंगे तो सवाल का जवाब भी आ जाएगा, भगवान रचयिता है उस भगवान की रचना कौन है पहली पहली है कौन, जगदम्बा उसकी पहली पहली रचना है, क्या जगदम्बा बच्ची नहीं है, है? जगदम्बा बच्ची नहीं है, अरे जगदम्बा किसी की बच्ची है या नहीं है, जगदम्बा माने सारे जगत की अम्बा, ब्रह्मा माने बड़े से बड़ी माँ, तो दोनों एक ही हो गए कि अलग अलग हैं, है जो जगदम्बा है वो शरीर है,
शरीर का नाम जगदम्बा, और जो ब्रह्मा है वो आत्मिक रूप में है, वो आत्मा जगदम्बा में प्रवेश करती है तो चंद्रमा के रूप में दिखाई जाती है। देवियों में एक देवी है जिसके मस्तक पर चंद्रमा दिखाते हैं, तो चंद्रमा कौन है? ब्रह्मा। वो सोल प्रवेश करती है, तो वो एक है आत्मा, एक है शरीर। ये दोनों के लिए मुरली में प्रश्न आता है, ब्रह्मा का बाप कौन? मुरली में पूछा कि नहीं है? कोई बताएगा ब्रह्मा का बाप कौन? जब बाबा ने पूछा है तो होगा कि नहीं होगा? कौन होगा? प्रजापिता बाप हुआ, जगदम्बा का भी बाप हुआ। तो जो जगदम्बा का भी बाप है, प्रजापिता का भी, वो ब्रह्मा का भी बाप है, वो पहला आधार हुआ या नहीं हुआ भगवान का? मैं जिसमें प्रवेश करता हूं, जिसका आधार लेता हूं, उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। तो पहला ब्रह्मा कौन है? है जगदम्बा। पहला परम ब्रह्म कौन, जिसको पहला कहें? प्रजापिता हुआ। तो ये फिकरा बनाया हुआ है, भगवान का अंत पाया जा सका? अरे भगवान का अंत क्या, भगवान तो अपना अंत आते ही सारा ज्ञान सुना देता है। वो ही बाप का अंत, बाप अपने पास कुछ रखता है क्या? शिव बाप जब आते हैं तो अपने पास कुछ गुप्त रखते हैं क्या? बताने के लिए रखते हैं? सब कुछ बताए देते हैं। तो भगवान तो अपना अंत आकर के खुद ही बताए देते हैं, लेकिन उसका आदि अंत शास्त्रों में कथा आती है कि वो लिंग प्रत्यक्ष हुआ, ब्रह्मा को कहा ऊपर देखने जाओ कहाँ है उसका अंत, और विष्णु को कहा आधार में जाओ कहाँ है उसका अंत। न ब्रह्मा ने अंत ढूंढ पाया और न विष्णु ने अंत ढूंढ पाया, तो फिकरा बन गया कि भगवान का अंत पाया जा सकता है लेकिन उनकी रचना का अंत नहीं पाया। तो उनकी रचना कौन हुई है? फिर वही जगदम्बा। जगदम्बा तो बच्ची है, है? कौन? हाँ, प्रजापिता, शिवलिंग, जिसे लिंग का रूप दिया है, जिसको हाथ पांव नाक आँख कान नहीं दिखाए हैं, माना ऐसी स्टेज धारण कर लेता है याद की, कि जिसमें नाक आँख कान ये इंद्रियों का भान ही नहीं रहता, इंद्रियां जैसे होते हुए भी जैसे नहीं है, कान होते हुए भी नहीं है, कैसे? कोई व्यक्ति के सामने उसकी निंदा लोग करें तो या तो ठंडा ही हो जाएगा या तो मुकाबला करेगा, नाराज हो जाएगा, होता है कि नहीं है? और भगवान का पार्ट ऐसा है कि सारी दुनिया निंदा करती है, उनका एक अवतार ही दिखाई दिया। क्या अवतार का नाम क्या दिया? कलंकी अवतार। सारी दुनिया कलंक लगाती है, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो कान है या नहीं है? कान तो होते हैं, लेकिन कानों पर कोई असर, दुनिया का सुनी सुनाई बातों का कोई असर नहीं पड़ता, किसी से प्रभावित होने वाला नहीं कि कोई कुछ कह दे और उससे प्रभावित हो जाए, उसकी प्रजा बन जाए। प्रभावित होना माना प्रजा बनना। तो भगवान किसी से प्रभावित नहीं होता है? हाँ जी, हाँ जी, उसे शिवलिंग ही कहा गया है।
हैं? निर्देशी हाँ जी, ओम शांति।